जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय बहुत ही जबरदस्त है और इसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक आता है। तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इसका यदि यूज़ करते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने अहम के लिए या छोटे मोटे गुस्से के लिए कोई ऐसा काम कर दें जिसका परिणाम आप ही को भविष्य में भोगना पड़े। तो जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों, अभी कमेंट बॉक्स में काफ़ी कमेंट्स में देख रही हूँ, ये आ रही है कि ये यूट्यूबर वो यूट्यूबर आपके कंटेंट की थंबनेल की चोरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, लेकिन उससे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जिसकी होती है उसकी पूरी ताकत वहीं पर आपको देखने के लिए मिलती है, और ये ज़माना ही ऐसा है। बिल्कुल फैक्ट बात है, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं मैं अग्री हूँ आप सबके साथ में, क्योंकि मैंने खुद ने भी देखा है। काफ़ी बड़ी बड़ी चैनल्स जो भी वीडियोस में डालती हूँ, सीधे उन वीडियोस की कंटेंट और उनके थंबनेल की सीधे चोरी करके दूसरे या तीसरे दिन वो अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं। कितने तो ऐसे चैनल्स हैं जो उसी दिन कंटेंट की चोरी करते हैं और डाल देते हैं। सो वॉट, डालने दो, उनके पास शायद कंटेंट की कमी होती होगी इसलिए वो ये काम कर रहे होंगे। लेकिन जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं फिर एक गुस्से वाला मुंह डालते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि यस, आपको बुरा लगता है ये सब कुछ, लेकिन आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते। अगर वे चोरी कर रहे हैं उन्हें करने दो, क्योंकि शायद उनके पास उनका अपना कोई कंटेंट ना हो या उनके पास कंटेंट की कमी हो रही हो। चलिए, हम आज की अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने बबूल के पेड़ पर मैंने ऐसे भी काफ़ी वीडियोस पहले भी अपलोड कर रखी है। बहुत ही कारगर पेड़ है ये। इस पेड़ के नीचे तमाम तंत्र मंत्र टोने टोट के सिद्ध होते हैं। बबूल के पेड़ के नीचे यदि आपका कोई सहृदयी व्यक्ति आपसे दूर हो गया है तो आप बबूल के पेड़ के नीचे उस व्यक्ति के पुराने कपड़े को ले लें शाम के समय, और एक गड्ढा करके उसके कपड़े को गाड़ दें और उसके ऊपर एक वजनदार पत्थर रख दें। पत्थर के ऊपर आप दिया जलाना शुरू कर दें। शनिवार से दोस्तों आप इस क्रिया को करना शुरू करें, आप देखेंगे एक वीक के अंदर तो सामने वाला व्यक्ति आपसे आने के लिए तिलमिलाने लग जाएगा, तड़पने लग जाएगा। दोस्ती हो, यारी हो, उसके लिए भी बबूल का पेड़ बहुत काम आता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी दोस्तों, यदि रविवार के दिन मतलब शनिवार की रात को आप अपने सिरहाने कच्चा दूध रख करके सो जाएं और रविवार की सुबह आप उसे बबूल के पेड़ पर चढ़ाना शुरू कर दें, आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती है। शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा हो तो आप चक्कू से शत्रु का नाम बबूल के पेड़ के नीचे लिख दें और 3 बार उस पर यूं चौकड़ी लगा दें और उसके ऊपर पानी डाल दें। ये क्रिया दोस्तों वशीकरण के भी काम आती है और शत्रु के नाश के लिए भी काम आती है। तो बबूल का पेड़ दोस्तों लाजवाब है तंत्र मंत्र के लिए, टोने टोटके के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पीपल के पेड़ में, बरगद में, जामुन में, तमाम पेड़ों में कई अलग अलग योनि के प्राणियों का, जीवों का, अति इंद्रिय जीवों का वास होता है, ऐसे ही दोस्तों बबूल के पेड़ में भी काफ़ी जो भूत प्रेत हैं, काफ़ी अलग अलग, क्योंकि हर पेड़ में दोस्तों अलग अलग प्रकार के जीवों का वास होता है। जैसे कि जामुन का पेड़ है उसमें चुड़ैल का वास होता है, पीपल का पेड़ है इसके अंदर भगवान श्री हरि का वास है, इसके सिवाय कितने ही प्रकार के और भी योगनियों का और पितरुओं का, ब्रह्म राक्षसों का, काफ़ी जीवों का वास होता है। हर पेड़ की एक अपनी अलग विशेषता होती है।
आज हम बात करेंगे बम्बूल के पेड़ की। तो बम्बूल के पेड़ से हम किस तरीके से शत्रु को परेशान कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। लेकिन अगेन अगेन एंड अगेन मैं आपको फिर से बता दूँ, किसी का भी अहित करने से पहले आप खूब सोचना और खूब सोचना, उसके बाद ही आप कोई भी क्रिया करना। ऐसी क्रिया आप तभी करें दोस्तों जब इसके सिवाय और कोई रास्ता आपके पास ना बचा हो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, शनिवार के दिन आपको बम्बूल के पेड़ की कुछ पत्तियां ले लेनी है, बराबर, और उसको आपको अपने घर में ले करके आ जाना है। ला करके दोस्तों आपको अपने घर में अग्नि जला लेनी है। अग्नि बिल्कुल थोड़ी सी आप जलाएं, उसमें पत्तियां आपको ज़्यादा डालनी है। यदि आप पत्तियों को सुखा करके इस क्रिया को करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज सूखी हुई ही पत्तियां आपको मिल जाती है तो आप एक ही दिन, मतलब कि पहले ही शनिवार को सब कुछ करने में सफल हो जाएंगे। अदरवाइज आप एक शनिवार को पत्तियां ले आएँ और दूसरे शनिवार को सुखा करके फिर आप इस क्रिया को करें। आप बिलीव करें दोस्तों, आपका शत्रु नाक रगड़ता घूमेगा, मछली की तरह तड़फड़ाएगा दोस्तों। वो इतना परेशान हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है, चारों तरफ से वो हैरान हैरान होने लग जाएगा, खून के आंसू रोएगा। दोस्तों आपको अग्नि जला लेनी है और अग्नि में इन पत्तियों को डाल देना है। मतलब ज़्यादातर ये आग इन पत्तियों की ही होनी चाहिए जो आप जला रहे हैं। ये क्रिया आपको शनिवार के दिन करनी है। मैं फिर से बता दूँ, इस क्रिया को करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जब पत्तियां जलने लग जाएं, तो आपको एक कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखना है उसकी माता के नाम के साथ। जब भी मैं कोई भी उपाय बताती हूँ माता के नाम के साथ, तो काफ़ी कमेंट्स आती हैं कि माता के नाम का पता नहीं है। तो जिन्हें माता के नाम का पता नहीं है वे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, वे सिर्फ शत्रु का ही नाम लिखें चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों काजल से आपको वाइट पेपर के ऊपर शत्रु का नाम लिख देना है उसकी माता के नाम के साथ, बराबर। और ऐसा दोस्तों एक नहीं, आप 3, 5 या 7 पेपर के ऊपर लिखें। पेपर के छोटे छोटे से टुकड़े करें, कटिंग दोस्तों बहुत व्यवस्थित मत करना, जैसे आप किसी ऐसे ही फाड़ रहे हैं, फाड़ दें सिर्फ कागज़ को, उसके जब छोटे छोटे से टुकड़े हो जाएं, मतलब बिल्कुल तिरस्कारयुक्त ढंग से आपको पेपर को फाड़ देना है और उस पर आपको काजल से अपने दुश्मन का नाम लिख देना है। एक बार लिखें, मतलब एक कागज़ पर लिखें, या 3 पर 5 पर 7 बार 11 पर जितना आप लिखना चाहें ऐसे, लेकिन संख्या आप इसी तरीके की लें जो मैं बता रही हूँ। और उसके बाद दोस्तों एक एक कागज़ आप उठाते जाएं और उसी आग में डालते जाएं जो आपने बम्बूल की पत्तियों की आग जलाकर रखी है, उसी में आपको सारे पेपर्स एक एक करके डाल देने हैं, बराबर। जब ये जल करके खाक हो जाए तो आपको इस भस्म की एक पुड़िया बना लेनी है। क्या करना है, भस्म की, ये जो भस्म बनेगी कागज की और बम्बूल की पत्तियों की, उसको मिक्स करके आपको एक पुड़िया बना लेनी है। और उस पुड़िया को दोस्तों आपको गंदे नाले में या जहाँ भी गंदा पानी बह रहा हो, गटर का पानी हो, गंदा कीचड़ वाला पानी हो, नाले का पानी हो, ऐसी किसी भी जगह जाकर के आपको इस पुड़िया को बहुत ही तिरस्कारयुक्त ढंग से उस पर फेंक देना है। क्या करना है, उस पर फेंक देना है। और उस समय आपको यही अपने मन से ये भावना करनी है कि आप अपने शत्रु को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर फेंक रहे हैं, और उसे कुदरत उसके कर्मों का फल अवश्य ही दे। ये प्रार्थना आप कुदरत से करें और उसके बाद आप बिना पीछे मुड़े देखे अपने घर में लौट आए। क्रिया बहुत ही छोटी सी है लेकिन इसका इफेक्ट दोस्तों बहुत ज़बरदस्त देखने के लिए मिलेगा। कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप एक बार कोई क्रिया करते हैं तो उसका पहली बार में आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप निराश ना हो, उसको सेकेंड टाइम अवश्य ही करें। 3-4 ऐसे सब्सक्राइबर दोस्तों मैंने कमेंट बॉक्स में देखे जो पहले नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, लेकिन अब
उनके कमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि अब उनका काम हुआ है और अब उनके काम होने लग गए हैं। तो ये अजीब बात है ना, जब आपके काम नहीं होते हैं तो आप फटाक से नेगेटिव कमेंट डालते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि आपकी कमेंट नेगेटिव है ये मुझे पता है, क्योंकि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन जो दूसरे जो लोग हैं, जो उस क्रिया को करने के लिए जा रहे हैं या पॉजिटिव होकर के करने का विचार कर रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट हो जाती है करने से पहले। तो प्लीज़ आप किसी भी क्रिया को पहले तो पूरी तरीके से समझें, समझ करके फिर आप उसे फॉलो करें। रिजल्ट दोस्तों आना ही आना है। आप खुद सोचिए, इतनी सारी चैनल्स जब हमारे कंटेंट की चोरी कर रहे हैं तो क्या यूं ही कर रहे हैं? कहीं उनके सब्सक्राइबर्स के भी, उनके व्यूवर्स के भी काम बन रहे हैं। तो आप हमारे ही चैनल के सब्सक्राइबर से, व्यूवर्स से भरोसा रख करके अपने चैनल पर, अपने कंटेंट पर उस क्रिया को करें। बिल्कुल भी अपनी आशा ना खोएं, करते रहें। और ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।